लेकिन हमारा जोशीमठ रहना चाहिए। हमको पीड़ा है, हमारी ये जन्मभूमि है और इस जोशीमठ की हमको पीड़ा है। हमारे ये पहाड़, हमारे मठ, हमारे मंदिर जो हमारे जोशीमठ का नाम है, हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होना चाहिए। हमको इतनी पीड़ा है अपने जोशीमठ की और हम एनटीपीसी कंपनी को बंद करके रहेंगे। जोशीमठ वालों ने खाना है क्योंकि कंपनी हमको जोशीमठ को बर्बाद करने के लिए आई है यहाँ पे। नाम जितेंद्र सिंह है और मैं यहाँ का एक स्थानीय निवासी हूँ। और जो ये परसों 3 तारीख के बाद जो ये धसाव का सीन शुरू हुआ था, उसमें लोगों के दरारें पड़ गई हैं मकानों में, जो नुकसान हो गया है, इसके लिए सिर्फ केवल ये विष्णु पर ये क्या बोलते हैं जल एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना है, जिसका कार्य ये पैनीअण मठ से और तपोवन के बीच हो रहा है। इसी के कारण ये जोशीमठ में इतनी प्रलय आई हुई है और हम बेघर होने की कगार पे हैं और डर इतना भयानक लग रहा है कि ये कहीं रात में कुछ ऐसा धसाव हो गया और हम सीधा यहाँ से ज़मीन के अंदर समा जाएंगे, और जिस कारण हमको रात में नींद भी नहीं आ रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और पहले से ही जो ये जोशीमठ नगरी थी, इसमें 1974 की जो मिश्रा आयोग की रिपोर्ट थी, इसमें इसका जिक्र हुआ था। उस समय ये मिश्रा जी यहाँ के गढ़वाल आयुक्त थे और उन्होंने इसमें ये जिक्र किया हुआ था, इस अध्ययन में जिक्र किया था कि जोशीमठ एक बिल्कुल नाजुक उसमें मिट्टी और पत्थरों के कणों में बसा हुआ है और जो बिल्कुल नया है, एकदम नया पहाड़ है और ये कभी भी इस पे ऐसे परियोजनाओं का काम हो जाएगा तो इसका अस्तित्व एक दिन मिट जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर निर्माण ये कार्य चलते रहे, ये परियोजनाओं के कार्य चलते रहे और ये जनता को गुमराह करके इस जो ये जल विद्युत परियोजना ने जनता को गुमराह करके कि C1 करेंगे, B1 बनाएंगे, इस तरीके से ये सीधा ये टनल इसके अंदर से खोदी गई है और जिसमें ये आपदा का पानी आया और ये आपदा के पानी ने धीरे धीरे ज़मीन को खोखला किया और खोखला करने के बाद आज ये नीचे ये JP कंपनी के वहाँ पर देख लो, ये मकिंग का पानी वहाँ निकल रहा है, जिसके कारण ये तबाही आना निश्चित हुआ है। आपको क्या लगता है कि कितने लोग जो है ये जो दरारें आई हैं लोगों के घरों में, कितने लोग प्रभावित होंगे उस सबसे? वो जो ये दरारें आई हैं कि ये पूरा जोशीमठ प्रभावित है, जितने लोग यहाँ पे रहने। पहले इसको ये आपने खुद से किया? ये जो दरारें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, इनको देख करके आपके मन में क्या ख्याल आता है? जब आप मन में तो यही ख्याल आता है, नींद नहीं आती है रात को, डर लगता है कि कभी क्या हो जाएगा, पता नहीं आने वाले का क्या हो सकता है। कौन कौन रहते हैं इस घर में? मेरे सास ससुर है घर में, हस्बैंड है और 2 देवर है और बच्चा आपका? और एक छोटा बच्चा है। काफ़ी दिक्कतें और परेशानी हो रही है, रात को बच्चे के साथ हम सो नहीं पा रहे हैं, कभी खतरा मंडरा रहा है जोशीमठ में कि कभी भी क्या हो सकता है, इसका पता हमको है नहीं। सरकार से ये निवेदन है कि वो अपना सहयोग करे जोशीमठ वालों के लिए। तो आपको रहने के लिए जगह नहीं मिली अभी प्रशासन से? अभी नहीं मिली प्रशासन से। हम लोग सिर्फ डिपेंड करते हैं यहाँ पे, जो 6 महीने हमारे यहाँ पे जो बजनाथ फट खुलते हैं, हमारा रोजगार ही वही है। हमारा क्या समझ लो, यहाँ से हरिद्वार से लेके यहाँ पूरे जोशीमठ बजनाथ तक जो भी लोग हैं सिर्फ डिपेंड करते हैं यहाँ पे टूरिज्म पे। अगर यहाँ पे टूरिज्म ही खत्म हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? अभी ये हमको कह रहे कि आपको पीपलकोटी में हम शिफ्ट करते हैं, मान लिया हमको यहाँ पे पीपलकोटी में या गोचर में शिफ्ट कर दिया, लेकिन सरकार इस बात की गारंटी लेती है कि जिन लोगों को वहाँ पे वो शिफ्ट करेगी उनका रोजगार का क्या होगा? लोग जाएंगे क्या? अपने बाल बच्चों को खिलाएंगे क्या? अभी जो यहाँ पे जोशीमठ में जो आपदा आ रही है, ये मेन आपदा है NTPC की वजह से, जिन्होंने अंदरूनी जो यहाँ पे ब्लास्ट किए हुए हैं उसकी वजह से सारी आपदा आने का कारण ही वही है।
अभी अभी अगर ये जो काम चल रहा है उसको रोक दिया जाए तो उसको लगता है, मतलब आप क्या समझते हैं उससे कि जो दरारें आ रही हैं यहीं पर रुक जाएंगे? नहीं, ऐसा है जो ये जो आपदा आ रही है ऐसी नहीं कि तुरंत ही अभी आई है, इसका प्रोसेस बहुत पहले से चला हुआ है। क्योंकि ये काम आज से नहीं चला हुआ, ये काम बहुत सालों से पहले से चल रहा है। तो ये जो धरती कमजोर हो रही है, ये ऐसा नहीं कि आज हमने काम शुरू किया है तो आज ये धरती फटनी शुरू हो गई है। इसका पहले भी कहा गया था कि इस काम को रोक दिया जाए, लेकिन किसी कंपनी ने यहाँ पे सुना नहीं, ना सरकार ने सुनी ये बातें। सरकार को पहले भी बहुत सारे विज्ञापन दिए जा चुके हैं कि भाई ये काम को बंद होना चाहिए, लेकिन ये काम बंद हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज ये काम हुआ है और आज ये धरती फटनी शुरू हो गई है। जोशीमठ के ऊपर जो ऑली है, ऑली के ऊपर जो गोरसों, वहाँ पर बहुत सारे ताल हैं, लेकिन इससे पहले आज तक कभी यहाँ पर ऐसे पानी की कोई बात नहीं हुई थी। जब से ये NTPC का काम जो अंडरग्राउंड चल रहा है, वहाँ जो ब्लास्ट हो रहा है, उस ब्लास्ट की वजह से ऐसा हो रहा है कि जगह जगह अंदर जो दरारें पड़ चुकी है वहाँ से पानी रिसना शुरू हुआ। उस पानी के रिसाव की वजह से आज अंदर से जमीन इतनी मतलब ढीली हो चुकी है। एक तो ऊपर से जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसका दबाव ऊपर से है, और जो अंदरूनी जो पानी का दबाव है वो पानी क्या है कि अंदर से अपना जगह जगह अपना मुँह ले रहा है। उस वजह से वहाँ पर हर जगह अब पानी पूरा ऐसा फैल चुका है कि जोशीमठ मतलब पूरी जड़ से एक टाइम पर ख़त्म हो जाएगा। उस पानी की निकासी अभी तो फिलहाल जो JP है नीचे कंपनी, वहाँ से निकल रहा है। अगर बाय द वे वो पानी कहीं बीच में अगर उसको मुंह निकल गया शहर के बीच में, तो ये तबाही मतलब ऐसी हो जाएगी कि आदमी को भागने तक का मौका नहीं मिलेगा। पानी बढ़ भी रहा है, वो पानी बढ़ ही रहा है, वो पानी कम नहीं हो रहा है।